मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, वो लास्ट चैप्टर ने हमें बताया। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप में टॉर्क जनरेट करें, उसे घुमाएं, तो करंट पैदा हो जाता है। इस पैदा हुए करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या? फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट या EMF बाई चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं EMI। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह, B.ds, ये इसका फॉर्मूला है। इसके यूनिट वेबर है। फेराडेज लॉ आ सकता है, एक्सप्लेन फेराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ विद एग्जाम्पल। तो फेराडेज लॉ के अंदर वेन एवर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट का, उसमें EMF पैदा हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, और वो तब तक रहेगी जब तक उसके अंदर फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, अगर एक कॉइल के आसपास आप मैग्नेट को पास लेके आते हो या दूर लेके जाते हो, उसका फ्लक्स चेंज होगा, उसमें EMF पैदा हो जाएगी। उसी तरीके से फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ EMI, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो इन शॉर्ट E इज इक्वल टू d∅dt या -d∅dt, याद रखने। और इसमें जब आप मैग्नेट को पास या दूर लेके जाते हो, लेकिन बहुत स्पीड से लेके जाते हो, तेजी से लेके जाते हो, तो ज़्यादा EMF जनरेट होती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट विल अपीयर इन सच अ डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट पैदा होगा जो किसको अपोज करेगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा जिसने उसको पैदा किया, ये याद रखना है इसमें। जैसे एग्जाम्पल है लेंज लॉ का, अगर आप बी इस तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये कॉइल है, अगर आप यहाँ बी बढ़ा रहे हैं तो ये नहीं बढ़ने देगा, ये अपना बी इधर कर लेगा ताकि आपके पैदा किए हुए बी को, इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो इस तरह तरीके से करंट होगा। और अगर आपका बी इस तरफ कम हो रहा है तो ये करंट ऐसे घुमाएगा कि अपना बी भी कम होते हुए बी की तरफ ले जाए ताकि बी की वैल्यू को वो बढ़ा सके, ये आपने याद रखना है। तो ये इसका रूल है लेंज लॉ का। उसी तरीके से लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन पे एक नोट लिखने को आता है कि एक्सप्लेन करो लेंज लॉ इज इन अकॉर्डिंग विद एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपने ये करना है कि अगर आप एक किसी भी मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं कॉइल के, तो अपोजिशन के चक्कर में वो करंट पैदा करेगा, जितनी तेज लेके आ रहे हैं तो आप मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं उसको मैग्नेट को पास लाने में अगेंस्ट द अपोजिशन, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें पैदा होगा। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यही एनर्जी कंजर्वेशन एक्सप्लेन करनी है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो एडी करंट्स हैं। एडी करंट्स इंड्यूस करंट्स हैं किसके अंदर, किसी भी शीट के अंदर जब उसका फ्लक्स चेंज होगा। तो एडी करंट्स में एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जो गैल्वेनोमीटर्स हैं उसके अंदर जो कॉइल है वो एक शीट पर लपेटी जाती है, वो रीज़न इसलिए ताकि उसमें इंड्यूस करंट्स बहुत सारे पैदा हो जाएं, और इंड्यूस करंट आपकी मोशन को अपोज करते हैं, क्योंकि अगर मोशन ऐसे है फ्लक्स कम हो रहा है तो ये एडी करंट कम नहीं होने देंगे, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये ज़्यादा भी नहीं होने देंगे, कॉइल जहाँ रेस्ट पे है रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये ऐसे गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर एडी करंट की वजह से कॉइल की मूवमेंट नहीं होती, उसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है रिंग वाला, मैंने दिखाया था आपको कि अगर मान लो एक पैसेज आया हुआ है, एक मान लो सॉफ्ट एक सोलेनॉइड है, इसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है या रिंग रखी हुई है, आपने करंट को एकदम ऑन किया, जब ऑन किया तो फ्लक्स बढ़ा, तो जो ढक्कन पड़ा हुआ है मेटल का उसके अंदर एडी करंट जनरेट हुए जिसने अब इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज किया, तो उसने भी सेम पोल डेवलप कर लिया और वो उछल के दूर चला गया। तो क्वेश्चन है उछल के क्यों दूर किया, तो आपने बोला एडी करंट की वजह से ऐसा हुआ। एक इंडक्शन फर्नेंस है, किसी भी चीज़ को अगर आपको ओर को पिघलाना है तो आप उसको इंडक्शन फर्नेंस में ले जाएं और फ्लक्स को बहुत तेज़ी से चेंज करें, एडी करंट जनरेट होंगे जो हीटिंग करंट जनरेट करेगा जिससे कि ओर पिघल जाएगा, मेटल बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज एडी करंट, स्पेशली ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर है लोहा है वो ना शीट्स में डिवाइडेड है और वो आपस में लैमिनेटेड है, ताकि एडी करंट जो उसमें पैदा होंगे ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो कम से कम रहें। तो पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन कि एडी करंट्स जो है वो ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर कहाँ यूज होते हैं, वो इसलिए यूज होते हैं ताकि मिनिमाइज एडी, देखेंगे पेपर के अंदर हम। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन।
अपने ही अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा करना, एक कॉइल का अगर आप करंट चेंज करेंगे तो अपने ही अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर लेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला फाई का एल आई है। सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसका फॉर्मूला माइनस एल टी आई बाई डी टी है। 101% एक क्वेश्चन सीबीएसई में इस फॉर्मूले के ऊपर आएगा, और ये ना आया हर पेपर के अंदर जो मैं देख रहा हूं ये तो पक्का आ रहा है। डेरिवेशन आ रही है सेल्फ इंडक्शन, एल निकाल लो किसी भी सोलेनॉइड का, ये बहुत बहुत तीन तीन नंबर में पक्का आ रहा है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ रहा है। म्यूचुअल के ऊपर कम आ रहा है, सेल्फ के ऊपर तो 101% आना ही आना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो सेल्फ इंडक्शन का एल निकाल लें, तो आपने मान लो एक सोलेनॉइड लिया, उसका बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, फिर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा बी इन टू ए, बी की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहां पे पुट किया फ्लक्स आ गया, एक टर्न का फ्लक्स है, एन टर्न का फ्लक्स क्या होगा इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फ्लक्स आ गया। फ्लक्स होता क्या है, एल आई, इन दोनों को इक्वेट किया, आई से आई कैंसिल तो एल की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एल जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बहुत पेपर में आता है ये याद रखना, और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है याद रखना, और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने को भी आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल चाहिए, तो एक में करंट चेंज करेंगे दूसरे के अंदर ईएमएफ पैदा होगी, एक में जो करंट चेंज होगा दूसरे में पैदा होगी, इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आती नहीं, आती सेल्फ ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है कि आएगी नहीं, ये भी आ सकती है, अगर एल आ सकता है तो एम भी आ सकता है। तो आप ऐसे में दो कॉइल्स लें, एक में करंट आप सेंड करें वन में, तो बी वन का फॉर्मूला म्यू नोट एन वन बाई एल इन टू आई वन है। अब फ्लक्स किसका चेंज करना है, दूसरे का, दूसरे के फ्लक्स में बी किसका यूज करना है, पहले का, बी वन इंटू एरिया और फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स भी दूसरे के, क्योंकि फ्लक्स दूसरे का चेंज हो रहा है, बस बी पहले का यूज करना है। इस बी को उठा के यहाँ पे पुट करके ये टर्म, ये वैल्यू आ गई, और फ्लक्स क्या होता है, एम आई, आई कौन सा, फर्स्ट कॉइल का, क्योंकि करंट हमने पहले कॉइल में सेंड की, इन दोनों को इक्वेट करके एम कैन बी कैलकुलेटेड। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सीरीज पैरेलल पे मैंने तो देखा नहीं, ये आ सकता है मोशनल ईएमएफ का, इसको मैं और तरीके से भी करवाऊंगा, इसकी जगह बुक में उसमें देखता हूँ, हैंड रिटन में लिखा हुआ है। तो अब हैंड रिटन बुकलेट में चलते हैं जो आपको मैंने दी हुई है, तो इसमें से बहुत कुछ आने वाला है, देखते हैं क्या। तो हैंड रिटन में फ्लक्स क्या है, फाइज इक्वल टू बी इंटू बी डॉट डी एस, लेंज लॉ हमने कर लिया, लेंज लॉ के एग्जांपल है, अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये वाला लूप भी क्या डेवलप कर लेगा, यहाँ पर नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज होता है। उसी तरीके से नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ का मतलब यहाँ से करंट है क्लॉकवाइज। ऐसी ये वेलोसिटी जीरो है तो इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ये सारे एग्जाम्पल सेम है, ये एग्जाम्पल डिफरेंट है, इसमें करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम। जब करंट कम होगा इस तरफ ऐसे, तो बी कैसे पैदा होगा इसमें, इनसाइड, तो करंट ऐसे है तो बी इनसाइड, बी इनसाइड डिक्रीजिंग होगा, ये कॉइल नहीं चाहेगा इसका बी डिक्रीज हो, तो ये भी अपना भी अंदर कर लेगा, तो करंट कैसे घूमेगा इसमें, क्लॉकवाइज। उसी तरीके से यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, तो बी इसके सेंटर पे कैसे होगा, बाहर, और कैसे, इंक्रीजिंग, कॉइल नहीं चाहेगा इसका बी इंक्रीज हो, कॉइल अपना भी कैसे कर लेगा, इनसाइड, ताकि करंट ऐसे घूमे। ठीक, तो इंक्रीजिंग है तो उसके ऑपोजिट भी कर देना है, डिक्रीजिंग है उसके साथ कर देना है, तो ये रूल है, बाकी सब एक जैसे हैं। ये देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये एक्सेप्शनल थोड़ा सा क्वेश्चन है, कि अगर मान लो नॉर्थ पास आ रहा है तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये कैपेसिटर है, मान लो नॉर्थ यहाँ से पास आ रहा है तो ये पोल क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डेवलप हो गया। तो अगर कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और नॉर्थ डेवलप हो गया, नॉर्थ का मतलब करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो करंट क्लॉकवाइज है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे घूमेगा, तो मान लो ये कैपेसिटर है पूरे का पूरा, ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट है, तो करंट ऐसे घूमेगा। जब करंट ऐसे घूमेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पर इंड्यूस करंट कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो ये प्लेट नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव होगी। यहाँ पर ये कैपेसिटर आगे नहीं है, कैपेसिटर पीछे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे सोचना है आपने इसमें। ठीक, बस बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसके अंदर जैसे ये लूप एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में,
तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ऑलरेडी फील्ड इनसाइड है, तो ये अगर फ्लक्स बढ़ा रहा है तो ये क्या करेगा, अपने बी को बाहर कर लेगा, और करंट कैसे पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ये वाला कॉयल है, ये बाहर आ रहा है, इसका फ्लक्स घटेगा, बी कम हो रहा है, बी कम हो रहा है तो ये नहीं जाएगा, ये अपना बी अंदर कर लेगा और इसको क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ऐसे सोचना है इसमें। नेक्स्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ कि फ्लक्स का एप्लीकेशन है, बी ए कॉस थीटा का एप्लीकेशन है। तो जब मैं बोलता हूँ बी ए कॉस थीटा, तो थीटा एंगल किसके किसके बीच में होता है, बी और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। तो इसमें रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंड प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। अब फील्ड कैसे है, ऐसे है, प्लेन भी कैसे है, ऐसे है, तो एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है। तो बी और एरिया में एंगल क्या बन गया, 90। बी और एरिया में एंगल 90। तो यहां पर क्या आ गया, बी और एरिया में एंगल 90। तो अगर एंगल 90 है तो इस केस में जो आपका प्लेन है वो नॉर्मल टू द फील्ड है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, बी ऐसे है, प्लेन ऐसे है, परपेंडिकुलर है सॉरी, तो एरिया वेक्टर यहां होगा, तो बी और एरिया में एंगल 0 होगा, 90 0 होगा। पर ये याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ लूप 90 डिग्री पे है तो एरिया और बी में एंगल 0 बनेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल 90 बनेगा। तो इसमें 90 डिग्री पे है तो एंगल बी ए कॉस थीटा में क्या बनेगा, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और दूसरे केस में कह रहा है पैरेलल टू द फील्ड है, अगर पैरेलल टू द फील्ड है तो थीटा क्या बनेगा, बी और एरिया में 90, तो बी ए कॉस 90 आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे सोचना है। जैसे ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। तो अगर बी के साथ इस लूप ने एंगल 30 बनाया तो नॉर्मल के साथ 90-30 यानी कि 60 बनाया, तो बी ए कॉस 60 के साथ आंसर आएगा आपका, ठीक। तो एरिया वेक्टर के साथ देखने आपने, तो ये सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर फ्लक्स गिवन है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ निकाल लें, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड भी ईएमएफ निकाल लिया, टाइम को 2 सेकंड पुट करके ईएमएफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर गिवन, तो रेडियस आपको गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, कि एंगल बी और एरिया में क्या हो गया, 0। तो वो कह रहे हैं इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ 11 वोल्ट है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला, पहले कितना था, 6000 से 1000 हो गया, टाइम पता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो रेडियस पता है, बी1 बी2 पता है, टाइम पता है, ई पता है, तो ई का फॉर्मूला माइनस एन d5 बाई dt, मैग्नीट्यूड पुट करना, नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं, और फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया, तो नंबर ऑफ टर्न पता है, बी की वैल्यू आप यहां पे निकाल लेना, टेस्ला में गिवन है, यहां से नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से इसके ऊपर पक्का न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। ये शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जब पढ़ोगे तो ये प्लीज कर लेना। नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये नहीं करना है इसमें, मान लो एक रॉड है, और रॉड मान लो यहां से यहां आ गई, तो आपको ये बताना है कि इसमें ईएमएफ कितनी जनरेट होगी एक मूविंग रॉड में। तो आप मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये डिस्टेंस कितने, वीडीटी, तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी, एल, और डिस्टेंस क्या है, वीडीटी। तो ईएमएफ क्या होगा, इसे डिफ्रेंशिएट करके डीटी बाई डीटी वन है, आंसर भी एल वी आएगा। इसकी जगह हम एक और शॉर्टकट करेंगे, और आसान तरीका करेंगे, इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं रॉड के अंदर। तो अगर रॉड की मोशनल ईएमएफ आ गई तो बी एल वी आंसर आने वाला है, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर रॉड रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें अगर घूम रही है तो ये स्मॉल एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी इक्वल टू आर ओमेगा से वी इक्वल टू एक्स ओमेगा, स्मॉल लेंथ क्या है, डी एक्स है, वेलोसिटी आपको पता है, तो ये स्मॉल ईएमएफ इसमें क्या होगी, बी एल वी, बी इंटू एल इंटू वी, स्मॉल ईएमएफ आ गई। इसको इंटीग्रेट करें 0 से एल तक तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू आएगी। आज तक इसके ऊपर डेरिवेशन आई नहीं है वैसे, लेकिन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अंदर इस फॉर्मूले के ऊपर देखने को मिलेगा, हाफ वी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ये नहीं करना, ये भी जरूरत नहीं है इसकी, मतलब ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये एसी जनरेटर, अगर आपको याद हो एसी जनरेटर का प्रूफ था, तो एसी जनरेटर ऐसे ही करते थे, मतलब आप उसकी अगर डायग्राम को छोड़ दें और फिर मैथमेटिकल वर्किंग की बात करें, तो वर्किंग ये थी कि अगर आपके पास एक लूप है और इसके ऊपर ये आ जाता है क्वेश्चन, मतलब ये आ जाता है, एक लूप देगा और वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कहेगा इसमें ईएमएफ क्या होगी जनरेट। तो जब लूप घूम रहा है तो एरिया वेक्टर हर वक्त बी के साथ एंगल बना रहा है,
और सर्कुलर मोशन के अंदर एंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, ओमेगा टी। तो नंबर ऑफ टर्न लूप में एन है, तो एन इंटू बी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्लक्स है। ईएमएफ क्या होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इसको ई नॉट पुट कर सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और वो ये पूछता है ऐसे केस में ज्यादातर कि एक लूप घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम साइन थीटा की वन, तो आंसर क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ है। यहां तक करना है, हाँ डेरिवेशन आ सकती है, या तो वो खुद बोल देगा कि एसी जनरेटर का प्रूफ लिख दो, फिर तो सबसे ऐसा पता लग जाएगा, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज कर देता है कि एक लूप सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगी, तो ये डेरिवेशन करके मैक्सिमम ईएमएफ करनी है, पूछ लेता है ऐसा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको इसमें दिए होते हैं, चार्ज फ्लोन थ्रू अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज हो तो चार्ज कितना फ्लो करता है, तो डी फाई बाई डी टी इंड्यूस ईएमएफ है, करंट क्या होगा, ई बाई आर है, ई डी फाई बाई डी टी बाई आर है, करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी है, डी टी डी टी कैंसिल है, डी क्यू की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से इंटीग्रेट करके डेल्टा क्यू और डेल्टा फ्लक्स आ गया। तो यानी कि टोटल चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर को क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज। तो ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको इसका न्यूमेरिकल, ये तो नहीं आएंगे, तो बहुत टफ है। ये आएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला आएगा। ये आता है कि मान लो एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें मोशनल ईएमएफ क्या होगी। तो सेम किया हुआ है हमने, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है रॉड, एक्स डिस्टेंस है इसका, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसमें बी इंटू एल इंटू एक्स फ्लक्स आ गया, डी फाई बाई डी टी में पुट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी आ गई, आंसर बी एल वी आना है, बात खत्म, बी एल वी, ठीक, ये वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का है, ये भी आता है यार, मोशनल ईएमएफ, सेम केस है, रॉड को अगर मैं मूव करवा रहा हूँ तो पहला पार्ट आएगा कि मोशनल ईएमएफ क्या होगी, आंसर बी एल वी कर लिया आपने, दूसरा पार्ट आएगा करंट लूप में क्या होगा, करंट होगा बी एल वी बाई आर, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या होगा कि फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है इसको रॉड को मूव करवाने के लिए, फोर्स है बी आई एल, हम करंट निकाल लिया बी एल वी बाई आर, तो फोर्स की वैल्यू आ गई, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी काफी काम आता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। नेक्स्ट है पावर, ये भी बहुत आता है, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हमने निकाल ली, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, ये पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड, ये भी आती है, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू पता है बी एल वी बाई आर इंटू आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यही आपकी पावर है जो आपने अप्लाई की, और यही पावर डिसिपेटेड, दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं इसमें, तो ये आता है। नेक्स्ट इसमें बी एल वी के ऊपर न्यूमेरिकल्स में देखो, ये तो आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, ये कर लिया, सेल्फ इंडक्शन कर ली, सेल्फ इंडक्शन मैंने आपको प्रूफ करवा दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, म्यूचुअल इंडक्शन का भी प्रूफ करवा दिया, सेम है, म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाय एल, कोई फर्क नहीं है इसमें, और ये नहीं करना, एन सी आर टी में नहीं आता ये, पैरेलल सीरीज भी कहाँ आता है एन सी आर टी में, ये ग्राफ कर लेंगे। अगर एक कॉइल के अंदर मैग्नेट गिर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा, ये याद करना है, ये ग्राफ है। नेक्स्ट इसमें करना है ये रहा, इसके अंदर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है अगेन, एक रॉड को हम मूव करवा रहे हैं, ये डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, रॉड मूव कर रही है, यहाँ से चलेगी यहाँ पे आएगी और फिर वापस आ जाएगी, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है टाइम के साथ, पावर का, फोर्स का, ईएमएफ का, फ्लक्स का, सबके ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो इसके अंदर जब ये रॉड इधर जाएगी तो यहाँ से जर्नी यहाँ तक और फिर वापस है, यानी कि बी से लेके टू बी, और मतलब जीरो से लेके ये मैग्नेटिक फील्ड बी तक है, फिर टू बी तक है। तो रूल नंबर वन, आपने इसमें क्या करना है, जब आप जीरो से बी की बात करते हो तो फ्लक्स बी एल एक्स होगा, किसी भी इंस्टेंट पर रॉड ने एक्स डिस्टेंस कवर करना है तो फ्लक्स बी एल एक्स है। फिर उसके बाद जो फ्लक्स है वो बी एल एक्स नहीं है, बी एल बी है, मतलब आप जीरो नहीं बोलेंगे, मतलब बी से लेके टू बी तक बी की वैल्यू इंक्लूडेड है, कि आखिरी वैल्यू फ्लक्स की क्या आई थी, बी एल वी, उसके बाद आप बोलेंगे फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया, अब ये नहीं कहेंगे जीरो हो गया, आप कहेंगे फ्लक्स जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब जब रॉड हवा में जा रही है बिना मैग्नेटिक फील्ड के आते रीजन में तो फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया, तो ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स का डायग्राम क्या बनेगा, जब रॉड जीरो से बी तक है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर कॉन्स्टेंट हो गया जब वो उधर घूम के आ रही है,
कहां तक, बी से टू बी, टू बी से बी तक, फिर कॉन्स्टेंट है, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में वापस एंटर करती है, जीरो पे आती है, फ्लक्स घट रहा है। तो ये डायग्राम प्लॉट करना है। फिर आपने बताना है ईएमएफ क्या होगी, ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी। तो ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव है, तो स्टार्ट हमेशा ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है, ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी ऐसे है, क्योंकि फ्लक्स कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो ईएमएफ कॉन्स्टेंट है। फिर बीच में फ्लक्स जीरो कॉन्स्टेंट हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गई, और फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। ठीक, नेक्स्ट है, फिर इसी तरीके से पावर का फॉर्म, फोर्स का फॉर्मूला आएगा। देखो जो फोर्स का फॉर्मूला है या करंट का फॉर्मूला आएगा, करंट जो हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किए थे, ईएमएफ का फॉर्मूला तो मैंने ड्राइव कर ही दिया, फिर करंट के अंदर बी एल वी बाई आर, फोर्स का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और फोर्स की वैल्यू बी और टू बी में जीरो हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। नोट करने वाली बात यह है कि फ्लक्स तो बन गया, ईएमएफ स्टार्ट नेगेटिव से होगी, फोर्स भी नेगेटिव से स्टार्ट होगा क्योंकि वी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन पावर हमेशा पॉजिटिव बनेगी क्योंकि वी का स्क्वायर है। यहाँ पर भी अकेला वी आता है फोर्स में, लेकिन पावर में वी का स्क्वायर आता है, तो ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनेगा नहीं, सारे पॉजिटिव ही बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार आपको इसमें देखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी पक्का आएगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर इज प्रोड्यूस व्हेन 2 एम्पियर करंट इज फ्लोस थ्रू इट। तो फ्लक्स पता है मिली एम्पियर से वेबर कर, वेबर से वेबर कर लेना, करंट पता है एल आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसके अंदर ऐसा आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता है एंड ईएमएफ पता है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो वहाँ से आंसर आएगा। तो मतलब इसके ऊपर आपको ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। अब ये करने के बाद एक काम करते हैं, जो पेपर में आया हुआ है जरा वो देखते हैं सीधा, और ट्राई करो इसका आंसर दे रहे हैं आपने क्या आंसर होंगे। ठीक, देखो तो इसका आंसर आप ही ने देना है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक कहाँ गया, फाइल दूसरी आ गई लगता है, चलो कोई बात नहीं, इसे देखते हैं, देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। ये रहा, ये करना है, सेल्फ इंडक्शन सोलेनोइड का पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स क्या होगा, किसका आंसर मार्क करना क्या होगा 11th का। किया क्या आपने इसमें, L directly proportional to n square, तो L1 by L2, N1 square by N2 square आंसर आएगा। तो क्लियर है यहां था, ओके। नेक्स्ट है, एसी भी ज्यादा क्वेश्चन आए ईएमआई से, एसी भी तो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, एसी एसी नंबर ऑफ टर्म्स कहां से आएंगे, L का n स्क्वायर से लेना देना है ना, तो आपने क्या लगाया इसमें, नहीं
एल का फॉर्मूला है भाई, सेल्फ इंडक्शन एल का और एन का फॉर्मूला है, तो एल की अभी डेरिवेशन की ना, एन स्क्वायर पर डिपेंडेंट है एल। इसमें फ्लक्स चेंज कहाँ हो रहा है, उसने कब बोला मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ, डी फाई बाई डी टी बोला ही नहीं क्वेश्चन में। उसने कहा जी अगर एल है तो एन है, एल है तो एन, बताओ क्या है? तो एल और एन का तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इसमें करंट तो भेजा ही नहीं उसने ना, करंट में ना क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में फ्लक्स चेंज हुआ ना करंट भेजा, वो तो कह रहा है जी कॉइल ले लो बिना करंट के, तो एल तो होगा ना उसका, तो एल एन स्क्वायर के डिपेंडेंट है। देख लेना 75 हो सकता है फिर आंसर, बड़ी बात नहीं है, आंसर मुझे पता नहीं, पर एल प्रोपोर्शनल में एन स्क्वायर लगाना है उसमें, हर में एल डी आई डी फाई बाई डी टी नहीं लगता, तो एल डी फाई बाई डी टी तब लगता है जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो, उसने बोला ही नहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्यों लगाएंगे। ठीक है 75 आ रहा है, नेक्स्ट है है तो ये ट्रांसफॉर्मर का, पर इतना हो सकता है आपसे, ये बस फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा इसमें। फॉर्मूला पूरा बोलो, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, बिल्कुल सही, अब लगाओ ना। अब वो कह रहा है कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन है कैपिटल एम है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एम डी आई बाई डी टी, हाँ अब लगाओ आंसर आएगा। ठीक है नेक्स्ट है 24th, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज व्हाट, किसी भी बंद सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर वो चार्ज ही नहीं है तो जीरो, कोई बंद सरफेस ले आओ घर से उठा के, कोई इसका फील्ड ही नहीं अप्लाई किया तो फ्लक्स कहां से आएगा, जीरो, आंसर जीरो है। और वैसे भी ये थ्योरम पता है कौन सी है, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, जो की नहीं हमने, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लोज बॉडी का फ्लक्स जीरो रहेगा इसमें भी। नेक्स्ट है 35,
हाँ जी कितना फॉर्मूला क्या लगाया, डी फाई बाई डी टी। तो इसमें एरिया ऑफ कॉइल पता है, एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड बी ए कॉस थीटा, में थीटा क्या लिया, थीटा क्या लिया 30। तो फ्लक्स क्या होता है बी ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए। कॉइल ऑफ एरिया कैप्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, भाई जब कॉइल ने फील्ड के साथ एंगल 30 बनाया तो एरिया ने तो 60 बनाया। यही तो सिखा रहा था मैं आपको, यही तो क्वेश्चन था वो जो मैं बता रहा था आपको, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप 30 एंगल मत लेना 60 लेना, ये तो सिखाया था। अगर कॉइल बी के साथ पड़ा हुआ है तो एंगल क्या लेते हैं 90, क्योंकि एरिया फैक्टर इधर हो गया, एरिया और बी में एंगल तो 90 हो गया। तो फिर इसमें भी तो ऐसे ही करना है, कॉइल ने जब एंगल बनाया बी के साथ वो नहीं लेना, कॉइल के एरिया वेक्टर ने लेना है। तो एरिया वेक्टर के लिए 90 माइनस 30 60 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन आना है। और ये सबसे बड़ी बात, सिखाने के बाद भी गलत कर दिया, और यही क्वेश्चन मैंने अभी किया। तो ई एम एफ माइनस डी फाई बाई डी टी में फाई को बी ए कॉस 60 पुट करके करना, ठीक है ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड, किसका अफेक्ट कम करने के लिए, एडी करंट्स, सही है एडी करंट्स। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, नहीं कर सकते हैं, गलत स्टेटमेंट है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, नहीं उल्टा भी कर सकता है, दोनों तरफ से होता है तो दोनों स्टेटमेंट गलत है इसमें। ये बताया था मैंने, जंप क्यों करती है, एडी करंट से, एडी करंट से। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग, तो क्या आएगा इसमें, एडी करंट। व्हाट विल हैपन इफ टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर रिवर्स्ड एंड स्विच इज क्लोज्ड, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा, जो साउथ है ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ साउथ, पर जंप अभी भी करेगा क्योंकि जब आप स्विच क्लोज करोगे तो करंट तो बढ़ेगा ही, चाहे उल्टी डायरेक्शन में बढ़े तब भी करंट तो बढ़ेगा ही। तो यहां पर पोल उल्टे डेवलप हो जाते हैं रिंग में और जंप तो अभी भी करेगा। तो एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, फेराडेज एंड लेंस लॉ। फेराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ के लिए और लेंस लॉ डायरेक्शन के लिए। एक्सप्लेन वेरियस वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन सोलिनॉइड, कितने अजीब डेरिवेशन है, क्या करेंगे इसमें, हाँ बी इज म्यू नॉट एन आई होता है ना, तो एन बढ़ा दो आई बढ़ा दो तो बी बढ़ जाएगा, सही है कर सकते हो। टोटल इनडायरेक्ट पेपर है सारा, मैं कहता हूँ डेरिवेशन दिक्कत नहीं है, दिख ही कुछ नहीं रहा मेरे को, तो मरी जाओ रट्टे बैठ के इस पे, ठीक है अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप तो ये है कि इस पेपर को आता हो ना आता हो हल मत छोड़ना, पक्की बात है ठीक है। वैसे हमने सारा किया हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि याद करने वाला पार्ट नहीं है इसमें कुछ भी।
ईएमआई का पोर्शन थोड़ा सा वैसे कम ही है, बहुत ज़्यादा ईएमआई है नहीं। स्टैंडर्ड सा वही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो बार बार, मतलब चैप्टर तो छोटा है, सही बात कह रहे हो, उसमें निकलेगा भी क्या, पॉइंट है ये भी। मुझे दिख नहीं रहा, पर इसमें ना मिस कर गया मैं, जनरेटर की वर्किंग इतनी आ रही है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये देखो, ये इस एसी का क्वेश्चन है, एसी जनरेटर, हर पेपर में एसी जनरेटर मिलेगा आपको, हर पेपर में एसी जनरेटर मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे तो। पीएन जंक्शन के वो तो भरे पड़े हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भरे पड़े हैं। ऑप्टिक्स भी खूब भर के आया हुआ है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स तो मतलब कमाल ही की पड़ी है। एसी भी अच्छा खासा आया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है।